अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकार असलम। और जैसा कि आप जानते हैं कि यूएस इलेक्शन में जो बाइडन की बढ़तरी हासिल हो चुकी है और 284 का इलेक्टोरल कॉलेज लेके जो बाइडन ने जो ट्रंप को बीट कर दिया है, इस हवाले से मैंने अपनी प्रोडक्शन टीवी टुडे के प्रोग्राम में 2019 अक्टूबर में दी थी कि डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त होगी और ट्रंप कार्ड जो है वो मजीद नहीं चल सकेगा। और ऐसा ही देखने में आया, जो बाइडन जो कि काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे और उन्होंने पेंसिल्वेनिया से इलेक्टोरल कॉलेज अपना तगड़ा करके इस इलेक्शन को विन किया है और वो नौ मुंतखब सदर बन चुके हैं अमेरिका के। उनके क्या जो इम्प्लिकेशंस हैं अमेरिका पर डोनाल्ड ट्रंप की, तो इम्प्लिकेशंस थे इनके तो हैर पॉजिटिव इफेक्ट्स होंगे और उनकी जो पॉलिसीज हैं वो बड़ी क्लियर हैं, उनमें कोई ऑब्ट्रूसिवनेस नहीं है। वो ये कहते हैं कि वो मुसलमानों के हक में बल्कि तमाम रेसेस के हक में बात करते हैं। उनका ये कहना है कि वो तमाम लोगों के जो हकूक हैं, मसावी हकूक, उनका प्रचार करेंगे। और उनके साथ जो वाइस प्रेसिडेंट है कमाला हारिस, वो भी मुसलमानों की काफ़ी प्रो नज़र आती हैं। जबकि इंडिया के हवाले से जो बाइडन के जो ख्यालात हैं वो कुछ ट्रंप से मुख्तलिफ नहीं हैं और वो वैसे ही हैं। जबकि इंडिया ये चाह रहा था कि इस दफ़ा जो बाइडन आए, क्योंकि ट्रंप पहले इलेक्शन में काफ़ी इंडिया के खिलाफ बातें कर चुके थे, मोदी का सर नीचा कर चुके थे। इस बारे में मैं आपको ये बताता चलूं कि जो बाइडन की पॉलिसी साउथ एशिया के लिए, साउथ एशिया के लिए पहले जो भी रही, लेकिन इस दफ़ा वो बड़ी फ्लेक्सिबल होने जा रही है। उसमें बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी नज़र आ रही है, रेजिलियंस नज़र आ रही है। वो पाकिस्तान समेत, अफगानिस्तान समेत जो तमाम मामलात हैं, तमाम अमूर हैं, उन पर बहुत उम्मीद निगाह रखते हैं और वो ये समझते हैं कि वो बेहतर तरीके से बाहरसन अंदाज में इस मामले को लेकर चलेंगे। अफगानिस्तान की जो डील है वो उस तरह ही उसी पुट्टी के साथ आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। जबकि जो आलमी इदारे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो या यूएन के कोई भी इजलास, ट्रंप ने उनको कभी भी सीरियस नहीं लिया। वो आइसोलेट होकर रहना चाहते थे, जबकि जो बाइडन जो थे वो ये सोच सकते थे, उनकी ये सोच थी जब वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका भी थे, इससे पहले भी उनके ये सोच थी कि अमेरिका मैटर करता है और अमेरिका को तमाम अमूर पर ध्यान देना चाहिए। ट्रंप जो थे वो वॉर्स के एंटी काम करते थे, लेकिन जो बाइडन जो है वो ये समझते हैं कि अगर वॉर किसी दूसरी जानब से इनिशिएट की जाए तो उसका सख्त से सख्त जवाब देना चाहिए। ट्रंप सिर्फ लफ्जी गोलाबारी करते थे, जबकि जो बाइडन जो है वो अमली तौर पर काम करते दिखाई देंगे। और जो बाइडन ने ये ठान लिया है कि वो अमरीका को, तमाम नेशनल्स को और रिफ्यूजीज को और आने वाले जितने भी इमिग्रेंट्स हैं उनकी जो सेफ साइड करेंगे, इस हवाले से मैंने बिफोर हैंड अपनी प्रेडिक्शन दे दी थी 2019 में। बहुत से लोग इख्तलाफ कर रहे थे, लेकिन हमने ये देखा कि जो बाइडन ने बहरहाल अमेरिका के इलेक्शन में विन कर लिया है। अपने होस्ट वकार असलम को अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अगली वीडियो में मजीद तहलका हेज इंकशाफात के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि जो बाइडन को ब्लैक वाटर से काफ़ी थ्रेट्स हैं और उनकी सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। उसके अलावा आगे जो रिक्यूपरेशन होंगी जो बाइडन के जीतने के बाद, ट्रंप के हामी जो शोर मचाएंगे, और अगर ट्रंप जीत जाता तो लोग रोते भी दिखाई देते। और अब हम ये देखेंगे कि क्या बेहतरी आने वाली है अमरीका में, और अमरीका में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। अपने वो उस वकार असलम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ो नासिर।